कोई भी वस्तु भगवान शिव के रूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणि, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप में व्याप्त कर रखा है। समस्त लोकों पर दया करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर ने तीर्थ तीर्थ में अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण कर रखे हैं। जहाँ जहाँ जब भक्तों के भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण करते हैं तहाँ तहाँ तब अवतार ले उनके कार्य स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की स्थापना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्ध प्राप्त हो जाता है। अवश्यनो भूमंडल के जो लिंग हैं उनकी गणना हो सकती है, तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ हे शौनक जी, इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, आज मैं उनका वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वरम, हिमालय के शिखर पर केदार, दाकिनी में भीम शंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में गणेश, सेतु बंधन में रामेश्वर तथा शिवालय में घूमेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेते हैं। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करें वे लोक और परलोक में उन मनोरथों को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करें उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इस लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 जो त्रिलिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पाप उसी क्षण जल कर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग महानदी और समुद्र के संगम स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग महेश्वर रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भृगु कक्ष में स्थित है। उपासक को सुख देने वाला महाकाल संबंधी उपलिंग दूधेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा नदी के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला है। ओमकारेश्वर संबंधी उपलिंग कदर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का निवारण करने वाला बताया गया है। भीमा शंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी स्राह पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से पापों को हर लेता है। रामेश्वरम से प्रकट हुआ उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुमेश्वर से प्रकट हुआ उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया है। ये दर्शन मात्र से ही पापहारी तथा संपूर्ण अविष्ट के दाता होते हैं। मुनीश्वरों, ये मुख्य दाता को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुन। अध्याय 1, काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्री के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्ति दायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है, उसे शिवलिंगमय ही समझना चाहिए। इतना कहकर श्री सूत जी के काशी से अविमुक्त कृतिवेशेश्वर, तिलभंडारेश्वर, दशाश्वमेघ,
आदि गंगा सागर आदि के संगमरेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के बृहतेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलकंटकेश्वर, मध्वेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा में यह बताया है कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर जो कृपा करके गंगा जी वहाँ पधारी थी, अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनुसुईये, यदि तुम एक वर्ष तक शंकर जी की पूजा और पति की सेवा का फल मुझे दे दो, मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी दूसरे उपायों में नहीं होती। सती अनुसुईये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देना चाहती हो, तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूँगी। श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्हें साक्षात दर्शन देकर बोले। शंभु बोले, साध्वी अनुसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिया पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पांच मुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देखकर बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन करके कहा। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव ने कहा, ब्राह्मण दंपत्ति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है, तो इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोकों के सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और भगवान शिव दोनों ही प्रसन्न हो गए तथा जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। उन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। अध्याय 2-4। ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा। एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदीकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहां आना। तदनंतर श्री सूत जी ने कहा, जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदीकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। महर्षि सूत जी ने कहा, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था ऋषिका। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी। एक ब्राह्मण को एक ही विधि पूर्वक विवाह की गई थी। विप्रवरो, यद्यपि वह द्विजपत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्या व्रत के पालन में तत्पर हो गई। पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर एक मूड नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, कामबाण से पीड़ित होकर वहां आ गया। वह अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करते देखकर वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वरो, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा भगवान शिव में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस दृष्टि पर न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया
क्योंकि वह अत्यंत